गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही डीपली जाकर हम कलेक्ट करने वाले हैं, इसलिए कंटिन्यूस बने रहिए आप हमारे साथ एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक जानकारी जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें सबसे पहला जो ग्रुप हम डिस्कस करेंगे वह है अमाइन। अमाइन का मतलब होता है हिंदी में एमीन। सबसे पहले हमें यह जानना है कि एमीन होती क्या है। देखिएगा, ये है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ने तीन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है तो हम कह देते हैं ये है अमोनिया। अमोनिया, ठीक है। अब इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हमने एल्किल ग्रुप से रिप्लेस किया। मान लीजिए एल्किल ग्रुप से रिप्लेस करा, क्या बना? RnH2। मान लीजिए दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करा तो क्या बना? RnHr। मान लीजिए तीनों को ही रिप्लेस कर दिया तो क्या बना? RnR। और इन्हीं को क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। यानी एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न है। कैसे व्युत्पन्न है? एल्किल व्युत्पन्न है। और एल्किल ही क्यों, एरिल भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं कि अमीन है क्या। सबसे पहले देखिए व्हाट इज अमीन्स। तो हम क्या कहेंगे? अमीन अमोनिया के एल्किल या एरिल, जरूरी थोड़ी एल्किल ही हो, एरिल भी तो हो सकता है, एल्किल या वे एरिल व्युत्पन्न है। सबसे पहली बात, एमीन क्या है? अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न है जिनमें या अमोनिया के एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल अथवा एरिल समूह से प्रतिस्थापित करने पर एमीन प्राप्त होते हैं। अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल आर समूह से प्रतिस्थापित करने पर एमीन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये है अमीन का जनरल इंट्रोडक्शन। ध्यान दें, यह है अमोनिया। अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल से या एरिल से रिप्लेस करा। मान लीजिए एल्किल से करा तो क्या लिख सकते हैं इसको? RnH2, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए दो हाइड्रोजन परमाणुओं को रिप्लेस करा, क्या लिखा? RnHr। फिर मान लीजिए तीनों को ही रिप्लेस कर दिया तो क्या लिखेंगे? RnRr। यहां पे ध्यान दीजिए कि यह वाला नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी एमीन। यहां पे यह नाइट्रोजन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी एमीन। और यहां पे डायरेक्टली तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए टर्शरी एमीन। और अब देखो, क्या इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है क्या? बिल्कुल है। अगर RnRr नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। और लोन पेयर से जब आप इसकी RX से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे क्या आएगा?
आर पे प्लस और एक्स पे माइनस। अब देखिए क्या ये टर्सरी एमीन इस एल्किल ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकती है अपने लोन पेयर से? बिल्कुल आप कहेंगे कर सकती है। क्या लिख देंगे? आर एन आर आर आर। और जब इसने नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, उसे ओवरऑल इस स्पीसी पे शो कर देते हैं। हैलाइड पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, अट्रैक्शन तो हो गई। ठीक है, अब देखो ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड था, ये कोवेलेंट था, ये कोवेलेंट था, तीन बॉन्ड कैसे थे? कोवेलेंट कोवेलेंट। चौथा बॉन्ड नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके बना रहा है, मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीन कोवेलेंट बॉन्ड मान लो, एक दो तीन, ये कोवेलेंट है, ये वाला नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करके बनाया इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो दो बॉन्ड हो गए। अब देखो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव में अट्रैक्शन है, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, यानी यहां पर कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और आयोनिक तीनों प्रकार के बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट हैं। तो ये है एमीन्स का इंट्रोडक्शन। दिस इज प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। सर इसका तो नाम ही नहीं बताया, इसका सुन लीजिए, यह है चतुषक लवण। इसको कहते हैं चतुषक लवण। ठीक है, तो ये है एमीन्स का जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। हम करने वाले हैं एमीनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसे पूरे को राइट डाउन करिए, फिर बाद में आगे बात करते हैं। अब एमीन्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस या एमिनो का वर्गीकरण, एमिनो का वर्गीकरण किस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा सकता है? सबसे पहले बात करेंगे हम एलिफैटिक, एलिफैटिक एमीन, एलिफैटिक एमीन के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। देखो क्या होती है एलिफैटिक एमीन। यदि एमीन के नाइट्रोजन से एल्किल समूह है सीधे बंधित हो, एलिफैटिक एमीन क्या है? यदि एमीन के नाइट्रोजन से एल्किल समूह है सीधे बंधित हो तो इसे कहते हैं एलिफैटिक एमीन। एमीन के नाइट्रोजन से एल्किल समूह डायरेक्टली बॉन्डेड हो रखा है, नाम दे दिया एलिफैटिक एमीन। देखिएगा CH3NH2 एल्किल फैमिली का ही है मेथिल, डायरेक्टली कार्बन बॉन्डेड है नाइट्रोजन से, हमारी इस बात को मान रहा है। CH3 सेम ईयर, एमीन के नाइट्रोजन से कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है एल्किल ग्रुप का, एंड CH3 तीनों एग्जांपल्स में हमारी ये वाली बात फॉलो हो रही है, मींस ये क्या है? एलिफैटिक एमीन है। ठीक है, एक कार्बन से बॉन्डेड है इसलिए प्राइमरी एमीन है, दो से बॉन्डेड है इसलिए सेकेंडरी एमीन है, और तीन से बॉन्डेड है इसलिए टर्सरी एमीन है। इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम मैथिल एमीन, मैथिल एमीन। इसका डाइमैथिल एमीन एंड देयर इज ट्राइमैथिल एमीन। ठीक है, तो ये हमारे कौन सी एमीने हैं? एलिफैटिक एमीन। एलिफैटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एमीन का नाइट्रोजन डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है? कार्बन पर, एल्किल ग्रुप के कार्बन परमाणु से बॉन्डेड है। ठीक है, तो यहां पे बात करी हमने एलिफैटिक एमीनों की। अभी हम बात करेंगे एरोमेटिक एमीनों के बारे में। एरोमेटिक एमीन यानी क्या होगा? सेम एरोमेटिक वर्ड से पता चल गया होगा, बेंजीन की बात करेंगे मोस्टली, है ना? एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन
डेफिनेशन बताइए देखें क्या लिखे। हाँ जी, यदि एमीन का नाइट्रोजन एरिल समूह है से सीधा बंधित हो, यदि एमीन का नाइट्रोजन एरिल समूह से सीधा बंधित हो तो क्या कहेंगे? एरोमेटिक एमीन। ठीक है, देखिए एरोमेटिक मींस बेंजीन रिंग और यह है अगर सीधा नाइट्रोजन एमीन के नाइट्रोजन से बॉन्डेड है तो एरिल एमीन। यहां पे संख्या तो ज्यादा हो सकती है, एक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, ये भी क्या है? एरिल एमीन, क्योंकि एरिल ग्रुप सीधा नाइट्रोजन से बॉन्डेड है एमीन के नाइट्रोजन से। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसके? एरिल एमीन के। नाम क्या लिख देंगे इसका? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है और ये टर्सरी एमीन है। नाम क्या लिख देंगे? फेनिल एमीन। फेनिल एमीन, इसका कितनी फेनिल है? दो, तो डाई फेनिल एमीन। डाई फेनिल एमीन, यहाँ पे कितने एमीन है? तीन, तो ट्राई फेनिल एमीन। ठीक है, ये आपके एरिल एमीनों का वर्गीकरण। तो ये दूसरी कैटेगरी थी हमारी एरोमेटिक एमीन। पूरी मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा एलिफेटिक क्या होगा और एरोमेटिक क्या होगा। आगे हम बात करने वाले हैं एरिल एल्किल एमीन, थर्ड कैटेगरी है यहाँ पे क्लासिफिकेशन की। एरिल एल्किल एमीन, एरिल एल्किल एमीन, एरिल एरिल एल्किल एमीन क्या है? एमीन का नाइट्रोजन एरिल समूह की एल्किल शाखा से जुड़ा होता है। एमीन का नाइट्रोजन एरिल समूह की एल्किल शाखा से जुड़ा हुआ होता है, किसमें? एरिल एल्किल एमीन में। शायद भाषा से समझ में नहीं आ रहा है, एग्जांपल लिखता हूं मैं। ये है हमारा एरिल समूह है, ये है एरिल समूह की एल्किल शाखा और ये एल्किल शाखा से जुड़ा हुआ एमीन का नाइट्रोजन, एरिल एल्किल एमीन, एरिल एल्किल एमीन। एमीन का नाइट्रोजन एरिल समूह की एल्किल शाखा से जुड़ा हुआ होता है। एरिल समूह है, एरिल समूह की एल्किल शाखा, ये एमीन का नाइट्रोजन डायरेक्टेड कनेक्टेड। ठीक है, CH2 NH CH2, एरिल समूह है एल्किल शाखा नाइट्रोजन, एरिल समूह है एल्किल शाखा नाइट्रोजन। तो ये तीनों इस कैटेगरी में आते हैं। अब देखो, ये वाली प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्सरी है। ये प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन और ये टर्सरी एमीन है। ध्यान दें, इस वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बेंजिल। क्या कहते हैं? बेंजिल, जो हम हेलो एल्केन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो नाम क्या रखें इनका। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एमीन से क्या जुड़ा हुआ है? बेंजिल। तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजिल एमीन। एक ही बेंजिल एमीन है, एक ही बेंजिल है तो बेंजिल एमीन। दो जुड़े हुए हैं, क्या बोल दें? डाई बेंजिल एमीन, डाई बेंजिल एमीन। तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, ट्राई बेंजिल एमीन, ट्राई बेंजिल एमीन। तो ये यहां पर हमारा
क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है, एमीन्स का वर्गीकरण यहाँ पर हम पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अमाइन्स के नोमनक्लेचर के बारे में कि नोमनक्लेचर इनका किस प्रकार से किया जाता है। ध्यान दें, अमीनों का नामकरण, नोमनक्लेचर ऑफ अमीन्स। नोमन क्लेचर ऑफ अमीन, अमीनों का नामकरण, अमीन्स के नामकरण को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नामकरण देखिए, जो कॉमन नेम होता है मोस्टली एल्किल एमीन, कॉमन नेम लिखेंगे एल्किल एमीन के अकॉर्डिंग, जैसे एल्किल होगी उसके अकॉर्डिंग नाम लिख देंगे, ये वाला नाम लिखेंगे। आईयूपीएसी की बात करें तो आईयूपीएसी में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीनों का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, ये है हमारी प्राइमरी एमीन। इस प्राइमरी एमीन का नाम होता है एल्केन एमीन, एल्केन एमीन। अगर प्रतिस्थापी भी है तो वो इस एल्केन एमीन से पहले लिखे जाते हैं, ये है मुख्य शाखा, मेन ब्रांच, मुख्य शाखा एल्केन एमीन। सेकेंडरी एमीन है आर एन एच या आर एन एच आर, इसका नाम लिखा जाता है एन एल्किल एल्केन एमीन। आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एन एल्किल एल्केन एमीन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछता आपसे कि एग्जाम्पल दे दिया, नाम लिखो, कॉमन नेम दे दिया, कह दिया आईयूपीएसी नाम लिखो, एन एल्किल एल्केन एमीन। अगर ये दोनों आर समान है कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी एल्किल बना दो, किसी को भी एल्केन बना दो, दोनों मेथिल है, एक मेथिल हो जाएगा एक मेथेन हो जाएगा, दोनों एथिल है एक एथिल हो जाएगा एक एथेन हो जाएगा, दोनों प्रोपिल है एक प्रोपिल हो जाएगा, एन प्रोपिल प्रोपेन एमीन। बट यदि दोनों एल्किल भिन्न भिन्न हो, यदि दोनों एल्किल भिन्न भिन्न हो तो ये एल्किल होगा छोटा आर, आर मीन्स एल्किल, छोटा एल्किल समूह क्या होगा, आर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक मेथिल है एक एथिल है, तो मेथिल को आप एन मेथिल एथेन एमीन लिखोगे, ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे समझ में आ जाएगी आपके बात। टर्शरी की बात करें, इसका नाम लिखेंगे फर्स्ट तीनों आर समान होने पर, तीनों एल्किल अगर समान है तो नाम लिखेंगे एन एन डाई एल्किल एल्केन एमीन। सेकंड दो आर समान है और आर क्या है, छोटे समूह है, आर क्या है, छोटे समूह है, तो यहां पर क्या होगा, छोटे वाले आर एल्किल रहेंगे, बड़ा आर एल्केन बन जाएगा, तब भी नाम क्या रहेगा, ये का ये सेम। यदि दो आर समान है और आर क्या है, बड़े हैं, इस स्थिति में नाम होगा एन एल्किल एन एल्किल एल्केन एमीन। फोर्थ तीनों आर भिन्न है तब भी नाम क्या रहेगा, एन एल्किल एल्केन एमीन। दो आर बड़े हैं तो एक तो छोटे वाला आर एल्किल होगा, दूसरा बड़े वाला आर एल्किल होगा,
ये वाला एल्किल और ये एल्केन समान है, बट आपने इस एल्केन को जो दो दो समान बड़े वाला एल्किल है उसको किसके रूप में लिखा है यहाँ, एल्केन के रूप में लिखा है। एग्जाम्पल इनके जब अपन पिक करेंगे तो आपकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एक एक के एग्जाम्पल की बात यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सबसे पहले देखो ये वाला, हमें एक एग्जाम्पल दिया CH3NH2, नाम हो जाएगा मेथेन एमीन, मेथेन एमीन। हमें एग्जाम्पल दिया CH3CH2NH2, नाम हो जाएगा एथेन एमीन। हमें एग्जाम्पल दिया CH3CH2 नाम हो जाएगा प्रोपेन टू एमीन, प्रोपेन टू एमीन। यहीं पे एग्जाम्पल लिखा CH3CH3CH3NH2। ये चेन हो गई, ये प्रतिस्थापी हो गया, ये अंकन हो गया 1 2 3। नाम क्या हो जाएगा, इसको अलग कर दूं मैं, नाम हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपेन 2-एमीन, 2-मेथिल प्रोपेन 2-एमीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राइमरी एमिनो के नाम रखे जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंडरी एमिनो की। सेकेंडरी एमिनो के नाम कैसे रखेंगे, देखो हमें दिया CH3NH CH3, सेकेंडरी एमीन है। एन एल्किल एल्केन एमीन दोनों सेम भी है, नाम क्या लिखेंगे, एन मेथिल मेथेन एमीन, एन मेथिल मेथेन एमीन। CH3NH CH2 CH3, ये वाला एग्जाम्पल दे दिया। तो अब देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे तो दोनों सेम थे तो आपने एन मेथिल मेथेन एमीन लिख दिया। यहाँ पे एक छोटा समूह है दूसरा बड़ा समूह है, हमेशा एल्किल छोटे समूह को रखेंगे, नाम लिखेंगे एन मेथिल एथेन एमीन, एन मेथिल एथेन एमीन। इसी प्रकार से CH3NH CH3 CH3, ये वाला एग्जाम्पल दे दिया हमें। अब ये वाला एल्किल छोटा है ये बड़ा है, बट इसमें चेन लेनी पड़ेगी आपको 1 2 3। भाई कार्बन परमाणु की श्रृंखला, जहां तक कार्बन उपस्थित है चेन नहीं टूटेगी। यहां पे आप ये मत कर देना कि इस मेथिल को अलग कर दो, नहीं, इसको आपको यहां तक लेके जाना है। तो मेथिल किसको, एल्किल किसको रखेंगे, छोटे वाले को क्या लिखेंगे, एन मेथिल, और इसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोपेन टू एमीन, प्रोपेन टू एमीन। ठीक है ना, अगर यही यूं होता CH3NH CH2, ये देखो एग्जाम में आता है क्वेश्चन बोर्ड्स में आपके, इसलिए मैं करवा रहा हूं आपको, ये होता तो अब क्या लिखते, एन मेथिल प्रोपेन 1-एमीन, ये 2-एमीन है तो ये प्रोपेन 1-एमीन। इस प्रकार से सेकेंडरी एमीनों का नाम लिखा जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं टर्सरी की। देखो टर्सरी में यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं मैं पहले और फिर अपन इनको डिस्कस करेंगे। जैसे एक तो एग्जांपल लिखा CH3N CH3 CH3, ये वाला लिख दिया। एक लिख दिया CH3N CH3 CH2 CH3, एक लिख दिया N CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, और एक लिखा N CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH3। ये देखिए यहाँ पे तीनों सेम है, यहाँ पे दो सेम है, यहाँ पे भी दो सेम है, और यहाँ पे तीनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे अपनी सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखिएगा हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ा एल्किल होगा उसको आपको एल्केन रखना है, अगर तीनों समान हो तो कोई सा भी रख दीजिए। जैसे इसकी बात अपन करें तो यहाँ पे देखिए एक को तो आप एल्केन बना लो, मान लो मैंने इसको एल्केन बना लिया, तो ये दोनों क्या रहेंगे, एल्किल, दोनों सेम है इसलिए क्या लिखेंगे, एन एन। बट देखो ये एन क्या है, अपन कार्बनिक श्रृंखला होती है तो उस पर क्या लिख देते हैं, जो पोजीशन होती है 2-मेथिल 3-मेथिल इस तरह से लिखते हैं, बट यहां पे जो
जो मैथिल है वो किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या लिख देते हैं, एन एन डाई मैथिल, यानी नाइट्रोजन से दो मैथिल जुड़े हुए हैं, एमीन के नाइट्रोजन से दो मैथिल जुड़े हुए हैं, इसलिए एन एन डाई मैथिल मैथेन, इस वाले को क्या लिख दिया, मैथेन एमीन, ये नाम हो गया इसका। अब यहाँ जो इसको अपन एल्केन रखेंगे, ये भी एल्किल, ये भी एल्किल, क्या नाम लिखेंगे, एन एन डाई मैथिल एथेन एमीन, एन एन डाई मैथिल एथेन एमीन, ये वाला इसका नाम हो गया एन एन डाई मैथिल एथेन एमीन। यहाँ पे एमीन एथेन में पोजीशन दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ आ जाइए, अब इसमें देखो दो एथिल है एक मेथिल है, तो देखो ये एल्किल रहेगा, ये एल्किल रहेगा, और इसको आप एल्केन रख लेना। अब अपन एन एन डाई तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों एल्किल डिफरेंट है, पहले किसे लिखेंगे जो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आता है, एथिल ई से शुरू होता है, मेथिल अम से शुरू होता है, तो क्या लिखेंगे, एन एथिल एन मेथिल एथेन एमीन, ये हो गया इसका नाम, एन एथिल एन मेथिल एथेन एमीन। अब यहां पे देखिए तीनों ही डिफरेंट है, तो एल्किल तो जो छोटे हैं वो तो क्या रहेंगे, एल्किल, बड़े वाला एल्केन, और यहाँ पे पोजीशन भी दिखानी पड़ेगी आपको, दो से अधिक कार्बन होते हैं आपको भी पोजीशन शो करनी है, क्योंकि ये एन यहाँ पे भी तो जुड़ा हुआ हो सकता था दो नंबर कार्बन से, है ना। तो अब क्या नाम लिखेंगे इसका, इस वाले का लिख रहा हूं मैं नाम, एन एथिल एन मैथिल प्रोपेन वन एमीन, प्रोपेन वन एमीन, यह है इसका IUPAC नाम होगा। तो इस प्रकार से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीनों के नामकरण किए जाते हैं, जो मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। अब इसके एग्जांपल्स अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल अपने को यहाँ पे बात करनी, इनके बारे में सारे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। पहले एलिफेटिक एमीने लेंगे और फिर एरोमेटिक एमीने लेंगे, पहले एलिफेटिक के नोमन नामकरण अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन एग्जाम्पल्स है हमारे पास में, CH3NH2, CH3CH2NH2, CH3CH2NH2, CH3CH3NH2, CH2N CH2 का होल 6 NH2, CH3 NH CH3 CH2 NH CH3 CH3 N CH3 CH3, C2H5N CH3 CH3, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अपन कॉमन और IUPAC नाम लिखेंगे, इसका अपने को कॉमन और IUPAC दोनों नाम लिखने हैं। सबसे पहले अपन कॉमन नेम लिखते हैं, कॉमन नेम होगा एल्किल एमीन, तो एल्किल कौन, मैथिल, नाम हो गया मैथिल एमीन, मैथिल एमीन। फिर इसमें एल्किल कौन है, एथिल, एथिल एमीन, यहाँ पे ये मैंने सॉरी रिपीट कर दिया इसको, इसको CH3 CH2 CH2 NH2 ये रखो इसमें। यहाँ पे प्रोपिल है, कौन सी प्रोपिल है, एन प्रोपिल एमीन। यहाँ पे कौन सी प्रोपिल है, ये वाला ग्रुप क्या बोलते हैं इसको, आइसो प्रोपिल एमीन। हाँ जी, यहाँ देखिए CH2 इस ग्रुप को बोलते हैं मैथिलीन ग्रुप, कितने मैथिलीन है, 6, तो क्या बोलेंगे, हेक्सा मैथिलीन, हेक्सा
मैथिलीन। क्यों लिखा है हेक्सामेथिलीन? क्योंकि कितने सी एच टू, छः प्रेजेंट है, एमीने कितनी है, दो। हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, एमीन से क्या जुड़े हुए मैथिल, कितने, दो। क्या लिखेंगे, डाईमेथिल एमीन। देखिएगा ये तो एमीन, एक मेथिल, दो मेथिल, डाईमेथिल एमीन। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये एथिल है, ये मेथिल है और ये एमीन, तो क्या लिख देंगे, एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन। इसमें कितनी मेथिल है, तीन, किससे, नाइट्रोजन से जुड़ी हुई, तो क्या बोलेंगे, ट्राई मेथिल एमीन। क्या लिखेंगे भाई इसे, ट्राई मेथिल एमीन, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे देखिए, एक एथिल है, दो मेथिल है, तो क्या लिख देंगे, एथिल डाई मेथिल एमीन, एथिल डाई मेथिल एमीन, एथिल डाई मेथिल एमीन। इस प्रकार से इनका हम नाम लिख देंगे। बात आ रही है समझ में? तो ये इनके कॉमन नेम हो गए। अब इनके आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे कि आईयूपीएसी नाम क्या होगा। देखिए आईयूपीएसी नाम होता है एल्केनेमीन, प्राथमिक एमीन का एल्केनेमीन, सेकेंडरी का एन एल्किल एल्केनेमीन, टर्सरी का एन एन डाई एल्किल, अगर सेम है, अगर सेम नहीं है तो एन एल्किल एल्केनेमीन। देखिए इसका नाम लिखेंगे एल्केनेमीन, कौन है एल्केन, सी एस थ्री, मेथेन एमीन, मेथेन एमीन। इसका नाम क्या लिखेंगे, एथेन एमीन, एथेन एमीन। इसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोपेन वन एमीन। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन वन एमीन, प्रोपेन वन एमीन, वन एमीन। इसका नाम क्या लिखेंगे, ये आपका प्रोपेन है भाई, जहां तक कार्बन जा रहे हैं वहां तक श्रृंखला को लेके जाना है, यहां पे तोड़ के इसको मैथिल मत बना देना आप। वन टू थ्री, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू एमीन। इसी प्रकार से इसको देखो, इसका नाम क्या लिखोगे, हेक्सामेथिलीन है ना, तो सी एच टू, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, यहाँ पे भी एन एच टू, यहाँ पे भी एन एच टू, ठीक है, ये आपकी श्रृंखला, एक दो तीन चार पाँच छः। क्या लिखेंगे, हेक्सेन वन सिक्स डाई एमीन, नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन वन सिक्स डाई एमीन। क्या नाम लिखेंगे बेटा यहाँ पे, हेक्सेन वन सिक्स डाई एमीन, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ जो सेकेंडरी एमीन है, एमीन के एक हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया, मैथिल ने, तो मैथिल की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे NH2 होता तो मेथेन एमीन, अब मेथेन एमीन की जगह हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया, मैथिल ने, मैथिल किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो क्या नाम लिखेंगे, एन मैथिल मेथेन एमीन। हाँ जी, यहाँ पे देखिए मेथेन एमीन ही थी, पर मेथेन एमीन के हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस करा है, मैथिल ने, और मैथिल किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो एन मेथिल मेथेन एमीन। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या थी, एथेन एमीन थी, पर एथेन एमीन के एक हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस करा है, मैथिल ने, एथेन एमीन के एक हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया है, मैथिल ने, तो नाम क्या लिखेंगे, एन मैथिल एथेन एमीन, ये सेकेंडरी एमीन है भाई। फिर यहाँ आ जाइए, क्या थी, सी एस थ्री एन एच टू था, देखो सी एस थ्री एन एच टू था, ये वाली कंडीशन थी, हम क्या नाम देते इसको, मेथेन एमीन, बट यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजनों को किसने रिप्लेस करा है, सी एस थ्री ने, तो नाइट्रोजन से क्या जुड़ गया, एक मेथिल दो मेथिन थी, तो क्या मेथेन एमीन ही थी, बट नाइट्रोजन पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन को इस मेथिल ने रिप्लेस करा, एक को इसने करा, किससे जुड़े हुए, नाइट्रोजन से, तो नाम क्या लिख देंगे, मेथेन एमीन क्या बन गई अब, एन एन डाई मेथिल मेथेन एमीन, एन एन डाई मेथिल मेथेन एमीन, एन एन डाई मेथिल मेथेन एमीन। अब यहाँ पे देख लो, थी तो एथेनेमीन, एथेनेमीन, एथेनेमीन को के हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस करा है, मैथिल ने, कितने मैथिल ने, दो ने, तो क्या लिखेंगे, एथेनेमीन तो लिखना ही है, पर एथेनेमीन लिखने से पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे, प्रतिस्थापियों की पोजीशन क्या है, एन, तो क्या लिखेंगे, एन एन डाईमेथिल
एथेन एमीन, एन एन डाइमेथिल एथेन एमीन यह इसका नाम होगा। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, वो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। दे रखा है C2H5N C2H5 और यहाँ पे CH2 CH2 CH3। ध्यान दो भैया, CH3 CH2 CH2 NH2, इसको आप क्या कहते? प्रोपेन एमीन। क्या कहते? प्रोपेन एमीन। बट हुआ क्या, इन दोनों हाइड्रोजनों को रिप्लेस कर दिया एथिल ने। एथिल क्या आ गए? एज ए प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी किससे जुड़े हुए? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से कितने प्रतिस्थापी जुड़े हुए? दो जुड़े हुए। तो नाम क्या लिखेंगे? एन एन डाई एथिल, एन एन डाई एथिल। जैसे प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं वैसे यहां पे नाम लिखा है। इनकी पोजीशन क्या है? एन है, इसलिए एन एन डाई एथिल प्रोपेन प्रोपेन एमीन। कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ? एक पे, तो प्रोपेन वन एमीन। और इसका कॉमन नेम क्या लिख देंगे? डाई एथिल एन प्रोपिल एमीन, डाई एथिल एन प्रोपिल एमीन। ये हमारे एलिफेटिक एमीनों के IUPAC नाम होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरोमेटिक एमीनों के बारे में। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखो, मैं इसको फाइनली एक एग्जांपल से आपको सारे के सारे नाम यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से, ध्यान देना मेरी बात की तरफ। इसको आपने लिखा था CH3 CH2 CH2 NH2। इसका नाम आपने लिखा था प्रोपेन वन एमीन। क्या नाम लिख रहे हो इसका? प्रोपेन वन एमीन। ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उन्हें मैं यूं शो कर देता हूँ। ये है प्रोपेन वन एमीन। फर्स्ट टाइम देखो, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा CH3 ने। अब देखो, इस नाइट्रोजन से दो कार्बन जुड़ गए, मीन सेकेंडरी एमीन है। ठीक है, प्रोपेन वन एमीन ही था, पर एक हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस करा? मेथिल ने। मेथिल किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। तो नाम क्या लिखोगे आप? एन मेथिल प्रोपेन वन एमीन, एन मेथिल प्रोपेन वन एमीन। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए इस वाले हाइड्रोजन को भी कौन रिप्लेस कर दे? CH3। तो अब देखो, प्रोपेन वन एमीन ही था, पर दोनों हाइड्रोजनों को मेथिल ने रिप्लेस कर लिया, इसलिए क्या लिखेंगे? एन एन डाइमेथिल प्रोपेन वन एमीन। ठीक है, सेकंड सुनो, एक को तो मेथिल ने करा, दूसरे को एथिल ने रिप्लेस करा। अब क्या नाम लिखेंगे? एन एथिल एन मेथिल प्रोपेन वन एमीन, एन एथिल एन मेथिल प्रोपेन वन एमीन। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ एमीन्स नोमेनक्लेचर। आपके कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आपके समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज करना, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आगे हम बात करेंगे एरोमेटिक एमीनों के नोमेनक्लेचर की। एरोमेटिक एमीन नेक्स्ट हम पिक कर रहे हैं, एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक एमीन। इनके भी कॉमन और IUPAC दोनों नाम हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इनके नाम रखे जाते हैं। देखते हैं, एग्जांपल्स हैं हमारे NH2, CH2 NH2, NH2, CH3, NH2, Br, 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 and NH, CH3, और एक एग्जांपल दे रखा है हमें NH CH3 CH3। ये हमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनके हमें नाम लिखने हैं। ठीक है, देखिएगा, कॉमन नेम, सबसे पहले कॉमन नेम लिखेंगे और फिर IUPAC नाम लिखेंगे। इसका कॉमन नेम है एनिलीन, जो आपको याद भी रखना, एनिलीन। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग से NH2 समूह जुड़ा हो तो इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। दूसरा,
ये वाला ग्रुप यहाँ पे देखिए सी एच टू ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, एन एच टू से, तो क्या बोल देंगे, बेंजिलेमीन। इसका नाम क्या है, बेंजिल एमीन, ठीक है, बेंजिल एमीन। ये भी विशिष्ट एग्जाम्पल है जो आप ध्यान रखना, अगर एनिलीन की ऑर्थो कंडीशन पे सी एस टू जुड़ा हो, सी एस थ्री जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं ऑर्थो टोलुइडीन, ऑर्थो टोलुइडीन। अगर एनिलीन की ऑर्थो कंडीशन पे एक सी एस थ्री जुड़ा हुआ है तो आप इसको बोलेंगे ऑर्थो टोलुइडीन, ठीक है। अब देखिए एनिलीन ही है, एनिलीन की ये वन पोजिशन, ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो क्या लिख देंगे, टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो एनिलीन, टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए इसको देखिए, अब इसका नाम आप, ये एनिलीन है, एनिलीन के नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, नाम क्या लिखेंगे, एन मेथिल एनिलीन, एन मेथिल एनिलीन भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं मेथिल फेनिल एमीन, मेथिल फेनिल एमीन, एन मेथिल एनिलीन भी हो सकता है, मेथिल फेनिल एनिलीन भी हो सकता है, मेथिल फेनिल एनिलीन, ठीक है। इसी प्रकार से इसका नाम क्या लिख देंगे, एन एन डाइमेथिल एनिलीन, या इसी का क्या नाम लिख सकते हैं अपन, डाइमेथिल फेनिल एमीन, डाई मेथिल फेनिल एमीन, ये हो गए इनके कॉमन नेम। अब अपन बात करते हैं आईयूपीएसी नेम क्या होंगे, इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आईयूपीएसी एनिलीन को भी एक्सेप्ट करा है क्योंकि इसका प्रचलित नाम है एनिलीन, या इसी को क्या कह देते हैं, बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन, एनिलीन भी सही है और बेंजीन एमीन भी इसका नाम सही है। इसको देखिए क्या नाम देंगे अपन, ध्यान दें, ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे सी एच टू है, एन एच टू है, अगर ये होता सी एस थ्री एन एच टू, अगर ये होता सी एस थ्री एन एच टू, हम कहते हैं मेथेन एमीन। अब मेथेन एमीन में यहाँ पे एच को किसने रिप्लेस करा है, इस प्रतिस्थापी ने, ये कौन है, फेनिल, तो नाम क्या हो जाएगा, फेनिल मेथेन एमीन, नाम क्या हो जाएगा, फेनिल मेथेन एमीन, फेनिल मेथेन एमीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, ओके। आगे देखिए इसकी बात कर रहा है ये, बेंजीन एमीन, दो नंबर पे क्या जुड़ा हुआ इसके, मेथिल, तो नाम क्या लिख देंगे, टू मेथिल बेंजीन एमीन, टू मेथिल बेंजीन एमीन, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, टू मेथिल एनिलीन, टू मेथिल एनिलीन लिखेंगे तो भी सही है, टू मेथिल बेंजीन एमीन लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। अब देखिए यहां पे आ जाइए, इसका नाम क्या लिखेंगे, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन भी इसका आईयूपीएसी नाम है, या आप इसे लिख सकते हो 246 ट्राइब्रोमो बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे, एन मेथिल बेंजीन एमीन, एन मेथिल बेंजीन एमीन इसका आईयूपीएसी नाम होगा। यहां पे इसका क्या लिख देंगे, एन एन डाइमेथिल बेंजीन एमीन। देखिए एक बार बस एक थीम इसकी पता होनी चाहिए, फिर आपको अपने आप फील आने लगेगी, एन एन डाइमेथिल बेंजीन एमीन, इस प्रकार से इनके आईयूपीएसी नाम हम लिखते हैं। तो यहां तक हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है, कॉमन नेम और आईयूपीएसी दोनों हमने लिखे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ऑर्थो टोलुइडिन का आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो पहले आप ऑर्थो टोलुइडिन बना लीजिए। क्या होती है ऑर्थो टोलुइडिन, एनिलीन की ऑर्थो स्थिति पे सी एस थ्री जुड़ा हुआ है, ठीक है। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, टू मैथिल बेंजीन एमीन, इतना काम करते हैं आपका, एक नंबर पक्का, ठीक है। आगे हमें एमाइंस में आइसोमरिज्म दिया हुआ है, इनमें समावयवता दी हुई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। समावयवता एमिनो में गिवन है, इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का प्रश्न बन सकता है एग्जाम के लिए। तो आइसोमेरिज्म इन एमीन्स, आइसोमेरिज्म इन अमाइंस, या कहें
एमिनो में समावयवता, एमिनो में समावयवता, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चेन आइसोमरिज्म श्रृंखला समावयवता की, श्रृंखला समावयवता चेन आइसोमरिज्म। ध्यान दें, श्रृंखला समावयवता चेन आइसोमरिज्म क्या होगा, वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु श्रृंखला भिन्न हो। श्रृंखला समावयवता क्या है, यौगिक या अणु सूत्र समान श्रृंखला भिन्न, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक होंगे जिनके अणु सूत्र समान होंगे परंतु श्रृंखला भिन्न होगी, क्या कहलाएंगे, श्रृंखला समावयवी कहलाएंगे। इसके लिए हम एग्जांपल पिक करते हैं C4H11N का, C4H11N। देखिएगा यहां पे CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। क्या नाम लिखेंगे इसका, ब्यूटेन वन एमीन, ब्यूटेन वन एमीन। श्रृंखला कौन सी है, ब्यूटेन, चार कार्बन वाली। फिर अपन इसका एग्जांपल लेते हैं फिर इसका एग्जांपल लिया हमने ये वाला, इसमें देखिए आप नाम क्या लिखेंगे इसका, ये श्रृंखला 1 2 3, ये अंकन, ये हो गया इसका प्रतिस्थापी। नाम क्या होगा इसका, 2-methyl 2-methyl propane 1-amine, 2-methyl propane 1-amine। यहां पे देखिए ब्यूटेन चार कार्बन वाली श्रृंखला थी जबकि यहां पे प्रोपेन तीन कार्बन वाली श्रृंखला है, तो यहां पे देखिए श्रृंखला परिवर्तित हुई है, इसलिए ये C4H11N9 के श्रृंखला समावयवी होंगे। तो श्रृंखला समावयवी में क्या होगा, अणु सूत्र समान होगा परंतु श्रृंखला भिन्न होगी, तो C4H11N9 के श्रृंखला समावयवी हमारे सामने यहां पर उपस्थित हैं। आगे हम बात करेंगे सेकंड आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे हम, पोजीशन आइसोमरिज्म या स्थिति समावयवता। सेकंड है पोजीशन आइसोमरिज्म या स्थिति समावयवता। यहां पर क्या होगा, अणु सूत्र समान, अणु सूत्र समान, यौगिक होंगे ना दो या दो से अधिक, उनके अणु सूत्र समान होंगे परंतु प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न होगी, स्थिति भिन्न, प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह की स्थिति यहां पर भिन्न होगी। इसके लिए एग्जांपल पिक करा हमने C3H9N का, देखिएगा CH3 CH2 CH2 NH2, इसका सूत्र क्या होगा, C3H9N, एक तो ये वाला, दूसरा CH3 CH CH3 NH2, इसका भी सूत्र क्या होगा, C3H9N, बट देखिए इसका नाम हम लिखेंगे 1 2 3 प्रोपेन वन एमीन, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन वन एमीन, जबकि इसका नाम लिखेंगे 1 2 3, एमीन कितने नंबर पे आ गया, दो पे, क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2-amine, चेक करिए दोनों को, यहाँ पे आपने लिखा प्रोपेन 1-amine, यहाँ पे क्या लिख रहे हो, प्रोपेन 2-amine, यानी एमीन की क्या चेंज हो गई है, पोजीशन चेंज हो गई है, जबकि इनका अणु सूत्र क्या है, समान है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, स्थिति समावयवी कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए C3H9N के स्थिति समावयवी लिखिए, तो ये दोनों समावयवी आपने बनाने हैं और आपका एक नंबर पक्का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह है समावयवियों की, क्रियात्मक समूह है समावयवी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, थर्ड क्रियात्मक समूह है समावयवता, क्रियात्मक समूह है समावयवता।
क्या होती है? अणु सूत्र इसमें भी क्या होगा? अणु सूत्र क्या रहेगा? समान क्रियात्मक समूह है भिन्न, क्रियात्मक समूह है भिन्न। और आपको बता दूं, प्राथमिक द्वितीयक एंड तृतीयक एमीन एक दूसरे की क्रियात्मक समूह समावेवी होती है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीने एक दूसरे की फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल पिक करा हमने C3H9N, CH3CH2CH2NH2। केमिकल फॉर्मूला इसका है C3H9N। आप चेक कर सकते हैं कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9 और नाइट्रोजन। ठीक है, प्रोपेन 1-amine, कौन सी एमीन है ये? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन नाम है प्रोपेन 1-amine। ठीक है, सेकंड देखिए CH3CH2NH CH3। यहाँ पे भी इसका केमिकल फॉर्मूला चेक कर लीजिए आप लोग, कार्बन 3 है बिल्कुल, हाइड्रोजन 3, 2, 5, 5 और 1, 6, 6 और 3, 9, हाइड्रोजन 9 है और एक नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन से 2 alkyl जुड़े हुए हैं, इसलिए कौन सी एमीन है? सेकेंडरी एमीन, और इसका नाम है N-methyl ethane amine। ठीक है, दिस इज फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, दिस इज सेकेंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, देन वी राइट थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, दैट इज CH3N CH3CH3। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन से 1, 2 और 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? टर्सरी एमीन, तृतीयक एमीन। नाम चेक करते हैं इसका। हाँ जी, मेथेन एमीन ही थी। मेथेन एमीन में 2 हाइड्रोजन मेथिल ने प्रतिस्थापित कर दिए, क्या लिखेंगे? N N डाइमेथिल मेथेन एमीन। यह इसके IUPAC नाम हो जाएंगे। एग्जाम में हमें प्रश्न मिला C3H9N के क्रियात्मक समूह समावयवी बनाइए, तो हमें ये तीनों समावयवी बनाने हैं। एग्जाम में हमें क्वेश्चन मिला C3H9N के स्थिति समावयवी बनाइए, तो स्थिति समावयवी कौन से बनाएंगे आप? जिसमें क्रियात्मक समूह है या प्रतिस्थापी की क्या चेंज हो? स्थिति चेंज हो। तो एक तो ये वाला हो गया, दूसरा यह वाला हो गया। क्यों? क्योंकि ये 1-amine और ये क्या हो जाएगा? 2-amine, जबकि इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला यही रहेगा। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा ही आपने आंसर देना है। ठीक है, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ आइसोमरीजन दैट इज ऑब्टेन इन अमाइंस, जो एमाइनों में ऑब्जर्व की जाती हैं। आगे हम बात करते हैं फोर्थ है मध्यावयवता। मध्यावयवता ये क्या है? इनमें भी अणु सूत्र क्या होगा? समान होगा। द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह है, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूहों के द्वारा ये वाली समावयवता प्रदर्शित की जाती है। और इस समावयवता में होता क्या है? दोनों संयोजकताओं से जुड़े हुए समूहों में भिन्नता आने के कारण ये समावयवता उत्पन्न होती है। दोनों समूहों में भिन्नता आने के कारण ये वाली समावयवता उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? एग्जाम्पल लेते हैं अपन C4H11N का, क्या होता है देखते हैं। C4H11N, हम बात कर रहे हैं मध्यावयवता की। सेकेंडरी एमीन बाइवेलेंट है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब इससे पहला एग्जाम्पल हमने पिक करा CH3CH2CH2CH3। आप देखिए इससे एक मेथिल जुड़ा हुआ है, एक एन प्रोपिल जुड़ा हुआ है, जबकि केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा? C4H11-9। दूसरा पिक करते हैं CH3CH2NH CH2CH3। यहाँ पे देखिए इस बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से 2 ethyl जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या था? एक मेथिल, एक प्रोपिल, यहाँ पे 2 ethyl जुड़े हुए हैं। क्या सेम है? क्या नहीं है? तीसरा देखिए CH3CH CH3NH CH3। यहाँ पे देखिए एक आइसोप्रोपिल और एक मेथिल जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के जो समावयवी उत्पन्न होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मध्यावयवी कहते हैं, और इस परिघटना को बोलते हैं मध्यावयवता। देखिए यहाँ पे एक मेथिल है, एक
एनप्रोपिल है। ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? मैथिल। ये कौन सा है? एनप्रोपिल। एनप्रोपिल यहां पे एथिल और इधर भी कौन सा है? एथिल। एथिल जबकि यहां पे ये वाला कौन सा है? मैथिल। और ये कौन सा है? आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है? मध्यावयवी है। क्यों है मध्यावयवी? क्योंकि इन समूहों में भिन्नता आ जाती है, इसलिए इनको मध्यावयवी कहते हैं। इनके नाम की अगर अपन बात करें तो इसका नाम लिखेंगे एन मेथिल प्रोपेन वनेमीन। एन मेथिल प्रोपेन वनेमीन। इसका नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे? एन एथिल एथेन एमीन। एन एथिल एथेन एमीन और कॉमन नेम हो जाएगा डाई एथिल एमीन। और इसी प्रकार से इसका नाम क्या लिख देंगे? ये हो गया आपका मेथिल एन मेथिल। ये हो गई चेन। कितने नंबर कार्बन पे एमीन जुड़ा हुआ है? दो पे। तो आप कहेंगे एन मेथिल प्रोपेन टू एमीन। ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज की क्लास में इंट्रोडक्शन, नोमनक्लेचर और आइसोमरिज्म हमने अमाइंस में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन यानी कि बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। कंटिन्यूअस बने रहिए आपके हमारे साथ में। खूब स्वाध्याय करिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में।